हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित चौधरी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने लेकर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जिसका नाम है संघर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार बायोलॉजी के टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे कि कैसे एक कैटरपिलर तितली में बदलता है। तो उन्होंने छात्रों को बताया कि कुछ ही घंटों में तितली अपने खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और उन्होंने छात्रों को आगाह किया कि वो खोल से बाहर निकलने में तितली की मदद ना करें, और इतना कहकर वो कक्षा से बाहर चले गए। छात्र इंतजार कर रहे थे कि तितली खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। छात्रों को उस पर दया आ गई और अपने अध्यापक की सलाह ना मानकर उन्होंने खोल से बाहर निकलने में कोशिश कर रही तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने खोल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से तितली को बाहर निकलने में कोई मेहनत और संघर्ष नहीं करना पड़ा। लेकिन हुआ क्या, थोड़ी देर में वो तितली मर गई। और जब अध्यापक वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि तितली मर गई और उन्हें सारी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने छात्रों को बताया कि तितली को खोल से बाहर निकलने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी की वजह से उसके पंखों को मजबूती और शक्ति मिलती है। ये प्रकृति का नियम है। तितली की मदद करके छात्रों ने उस संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि तितली मर गई। अर्थात हमें अपनी जिंदगी में भी उसी उसूल को लागू करना चाहिए। जिंदगी में कोई भी कीमती चीज बिना संघर्ष के नहीं मिलती, और मिल भी जाती है तो ज्यादा समय के लिए हमारे पास नहीं रह पाती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ।